हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल मिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन हॉनर प्ले वर्सेस मी 8 एसई। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो मेरे लेफ्ट साइड है हॉनर का प्ले, जो राइट साइड है वो है मी 8 एसई, जिसमें इसका डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, 6.3 इंच का फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। और दोस्तों इसमें आपको मिलता है मी 8 में आपको मिलता है 5.8 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें आपको मिलता है ऑप्टो कोर प्लस क्वाड कोर का प्रोसेसर। और मी 8 में आपको मिलता है ऑप्टो कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की 4GB रैम मिल जाती है हॉनर में। एंड मी में आपको MI में मिलती है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की 4GB रैम। स्टोरेज की करते हैं 64GB स्टोरेज मिल जाती है आपको, जिसमें 256GB प्लान एक्सपांड कर सकते हैं हॉनर के प्ले में। उसमें SE में कुछ ज़्यादा डिटेल मेरे पास आई नहीं थी, मैंने इसलिए लिखा नहीं है इसमें कितनी एक्सपांड कर सकते हैं। उस कैमरे की बात करते हैं, इसमें आपको होता है 16+2 का कैमरा मिल जाता है आपको हॉनर में, और Xiaomi में आपको मिलता है 12+5 का, लगभग सेम ही वेटिंग है। फ्रंट कैमरे की शूटर की बात करते हैं तो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर हॉनर में, और मी में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। बैटरी की बात करते हैं 3750 mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको हॉनर में। और Xiaomi की ज़्यादा डिटेल आई नहीं थी, मैंने आपको शुरू में बताया है अभी, इसलिए मैंने इसकी बैटरी का भी कुछ नहीं लिखा है अभी। दोनों में आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। उसको इस 9-30 अगस्त तक आप दोनों शायद लगभग इंडिया में देख पाएंगे। उस तो मी 8 तो चाइना में लॉन्च हो गया है कल परसों में। उससे इसका कस्टम UI की बात करते हैं तो EMUI मिलता है आपको हॉनर में, और Xiaomi में आपको मिलता है MIUI 8.1 का ओरियो मिल जाता है आपको दोनों में ही। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में मिल जाता है देखने। और फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है हॉनर में, और Xiaomi में आपको मिलती है क्विक चार्जिंग 3.0 की। दोस्तों 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है आपको हॉनर में, और 5.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है आपको Xiaomi में। फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आपको दोनों में मिल जाता है। एक्सपर्ट रेशियो की बात करते हैं तो उसमें आपको मिलता है 19.9 का। उस मी 8 में आपको मिलता है 18.9 का, 409 PPI मिलता है हॉनर में, और 424 PPI मिलता है आपको मी 8 में। IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाता है हॉनर प्ले में, और सुपर आपको आलमाउंट डिस्प्ले मिल जाता है इसमें MI में। उसमें इसकी चिपसेट की बात करते हैं तो हाई सिलिकॉन किनोना मिल जाता है 270 हॉनर में। दोस्तों इसका अपना प्रोसेसर है, और MI में आपको मिलता है क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 710। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो ऑप्टो कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर कॉर्टेक्स A73 प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53। और ये आपको हॉनर में मिलता है, और मी में आपको मिलता है 8 ऑप्टो कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का कैरेनो 360। और दोस्तों इसमें ग्राफिक्स का करते हैं तो इसमें आपको मिलता है माली G72 MP12 मिल जाता है आपको हॉनर में, और मी 8 में आपको मिलता है एंड्रॉन 616। 4GB की रैम आपको दोनों में मिल जाती है, 64GB दोनों में एक्सपेंड 64GB आपको स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंड आप इसमें नहीं कर सकते हैं मी 8 में, सो हॉनर प्ले में आप कर सकते हैं 256GB एक्सपेंड। 16+2 का कैमरा मिल जाता है, डुअल प्राइम कैमरा मिलता है हॉनर में, और मी 8 में आपको मिलता है 12+5 का डुअल प्राइम कैमरा। फेस डिटेक्टिव ऑटो फोकस आपको दोनों में मिल जाता है। एपर्चर की बात करते हैं तो हॉनर का कैमरा बैठता है 2.2 का, और मी 8 का 8 बैठता है 1.9 का। फ्लैश की बात करते हैं तो LED फ्लैश आपको मिलती है हॉनर में, और MI 8 में आपको मिलती है डुअल कलर LED फ्लैश। दोस्तों इसका फ्रंट शूटर की बात करते हैं, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर है हॉनर का, और Xiaomi का है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसका एपर्चर मिल जाएगा आपको 2.2 के गीजर F2 का हॉनर में। और दोस्तों मी 8 का दोस्तों भी कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं हमारे पास, और सॉफ्ट LED लाइट आपको मिल जाती है मी 8 में और हॉनर में। उसकी बैटरी कैपेसिटी याद करते हैं तो उसमें आपको 3750 mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको हॉनर प्ले में, और Xiaomi में आपको मिलेगी 3120 mAh की बैटरी ली थी हम, पॉलीमर बैटरी आपको दोनों में मिल जाती है। क्विक चार्जिंग आपको दोनों में मिल जाती है, इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको हॉनर में, और मी 8 में आपको मिलती है क्विक चार्जिंग 3.0 की। दोस्तों वोल्ट सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है। दोस्तों मोबाइल हॉटस्पॉट आपको दोनों में देखने मिल जाता है। ब्लूटूथ की करते हैं तो आपको मिलता है 4.2 का हॉनर में, और मी 8 में आपको मिलता है 5.0 का। और दोस्तों लाउड स्पीकर आपको दोनों में देखने मिल जाते हैं, बट इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है आपको मी 8 में, और हॉनर के प्ले में आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में देखने मिल जाएंगे, रियल सेंसर आपको दोनों में देखने मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर रियल में देखने मिल जाएंगे, बाकी अदर सेंसर जो है वो भी आपको लगभग सेम मिलेंगे ज़्यादातर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों आपको कोई सवाल लगे तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।